और दर्शकों को सीधे लिए चलते हैं मथुरा, जहां इस समय अमित शाह जनता को संबोधित कर रहे हैं। चुनाव है यूपी में विकास और परिवर्तन लाने का चुनाव। मित्रों, 15 साल से उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से सपा बसपा बसपा सपा एक क्रम चलाया है, वो क्रम ने उत्तर प्रदेश को हर क्षेत्र में बहुत पिछड़ा बना दिया है। विकास की रेस में उत्तर प्रदेश पूरे देश से पिछड़ गया है। क्या नहीं है उत्तर प्रदेश के पास? मित्रों, मैं ऐसे प्रदेश से आता हूं जहां पानी निकालना है तो 1500 फुट नीचे जाना पड़ता है। 1500 फुट यहां पर माँ गंगा और माँ यमुना की कृपा है, इतना विपुल मात्रा में पानी है, मगर फ्लोराइड विहीन पानी पीने के लिए नहीं मिलता। आप मुझे बताइए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और अब आसाम भी, ये सारे राज्य विकास के रास्ते पे चल पड़े। हर गांव में, हर घर में 24 घंटा बिजली जाती है, आती है क्या बताइए? आपके यहां 24 घंटा बिजली आती है भाई? चिलचिलाती धूप में मथुरा में कितनी बिजली आती है भाई बताओ? हमारे गुजरात में ये जनरेटर सेट होते हैं ना, इसकी कोई एजेंसी ही नहीं है, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, बिजली जाती ही नहीं है। मित्रों, पूरा उत्तर प्रदेश विकास से महरूम हो चुका है, और अगर उत्तर प्रदेश का परिवर्तन करना है तो दो शाहजादे जो निकले हैं ना, दो शाहजादे जानते हो ना कौन से हैं, वो नहीं कर पाएंगे भैया। उनके तो परिवार में ही प्रॉब्लम है, एक से मां परेशान है, दूसरे से बाप परेशान है। ये क्या यूपी का भला करेंगे? एक ने देश को लूटा है, एक ने प्रदेश को लूटा है, ये उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकते। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर एक विचित्र प्रकार की रेस चली है, विचित्र प्रकार की स्पर्धा चली। हर राज्य देश में पहला नंबर बनना चाहता है, हर राज्य चाहता है कि हम रोजगारी में पहला नंबर बन जाए, हम नौकरी देने में पहला नंबर बन जाए, 24 घंटा बिजली देने में पहला नंबर बन जाए, रोड रस्ते से गांव को जोड़ने में पहला नंबर बन जाए, किसान के खेत में पानी पहुंचाने के लिए पहला नंबर बन जाए। मगर उत्तर प्रदेश में सपा सरकार ने एक नया विकास का रास्ता निकाला। उत्तर प्रदेश ये सारी बातों में पहले नंबर पर नहीं है, मगर काफी चीजों में पहले नंबर पर है। मैं बताऊं आपको किन चीजों में पहले नंबर पर है? बताऊं? सबसे ज्यादा खून अगर कोई एक प्रदेश में होते हैं, हत्याएं होती है, तो उत्तर प्रदेश में होती है। सबसे ज्यादा बलात्कार अगर कोई एक प्रदेश में होते हैं, रेप होते हैं, तो उत्तर प्रदेश में होते हैं। रोज हर रोज एवरेज 13 हत्याएं उत्तर प्रदेश में होती है और 23 बलात्कार होते हैं। मित्रों, आप बताइए, ये सरकार जो हत्याएं और बलात्कार को रोक नहीं सकती, उसको शासन करने का अधिकार है? बताइए, है? मित्रों, पूरे उत्तर प्रदेश में जमीन चाहे सरकार की हो या गरीब की हो, सपा के गुंडों ने जमीन हथिया ली है। पर भी निशाना, दो शहजादे कहकर संबोधित किया अमित शाह ने इन दोनों नेताओं को, और यह भी कह दिया कि एक से मां परेशान।